डियर लर्नर्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपके लिए MGDS एग्ज़ाम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चंस है, आप इसको स्टडी करेंगे। देखिए मेरे साथ, डोंट अलाउ फॉरनर बिजनेसेज टू लुक डाउन - कम्बोडियन वर्कर्स इन, लुक डाउन इन, लुक डाउन आउट, लुक डाउन अपॉन और लुक डाउन ऑफ। तो राइट आंसर इसका लुक डाउन अपॉन। देखिए मीनिंग ऑफ लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या है, इज टू फील दैट समवन इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन यू और डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट, कि कोई आपसे कम महत्वपूर्ण है या सम्मान का पात्र नहीं है। होम ओनर्स ऑफन लुक डाउन अपॉन प्लम्बर्स। उसके बाद देखिए, आल दो एंड इवन दो आर कंजक्शंस, दे हैव द सेम मीनिंग। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंस्टीड ऑफ बटर आई ऑलवेज - मार्गरीन और ए लो फैट स्प्रेड, गो टू, गो फोर, फ्रॉम, ऑफ। आई ऑलवेज गो फोर इंस्टीड ऑफ बटर, मतलब मैं हमेशा उसको पसंद करता हूँ, इस चीज़ को, गो फोर। तो यहाँ पर देखिए, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गो फोर इज़ टू चूज समथिंग, किसी चीज़ को चूज करना। माया टोल्ड अस दैट वी शुड गो फॉर 4 BHK इंस्टीड ऑफ बटर, आई ऑलवेज गो फॉर और ए लो फैट स्प्रेड। गो फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, चुनना। उसके बाद है, ही रिक्वायर्स - असिस्टेंट विद गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही रिक्वायर्स एन असिस्टेंट विद, देखिए राइट आंसर है एन असिस्टेंट विद ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या है, एन का यूज हुआ है असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट अगर ही गिव मी ए 10 5 रुपीज, तो राइट आंसर इसका 10 5 रुपी, ही गेव मी 10 5 रुपी नोट्स। 10 5 रुपी, आर्टिकल ए इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन ओनली, बट हेयर देयर आर 5 10 रुपीज, 5 10 रुपीज मतलब विच इज प्लूरल, सो वी कांट यूज दिस ऑप्शन 10 5 रुपीज। उसके बाद देखिए, कार्डिनल एडजेक्टिव विच इज यूज टू मॉडिफाई द नाउन, देयर फॉर रुपी शुड बी यूज ए 10 5 रुपीज। उसके बाद 10 5 रुपीज, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द फ्रेज टू बी यूज इन द ब्लैंक, 10 5 रुपी। आई - द फिल्म वी सा यस्टरडे, आई डिड नॉट लाइक द फिल्म वी सा यस्टरडे, आई वॉज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक, हैव नॉट लाइकड। तो इसका आएगा आई डिड नॉट लाइक, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई जो देखी थी। आई एम लुकिंग फॉर समवन - कैन वाटर माई गार्डन वाई आई गो ऑन हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे बजाऊँगा तो मन हुम एवर दैट हु विच एवर जाएगा हु कैन वाटर। द लॉयर हैज़ बिन वेटिंग फॉर द क्रिमिनल सिंस फोर टू ईयर्स, टाइम पीरियड की बात हो रही है। मोर देन 4 centuries अगो एन आईलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलियाज रिमोट वेस्ट कोस्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ए वेव आर डच मैरिनर, हैप्पीली, सैडली, एक्सीडेंटली, सम हाउ एक्सीडेंटली। आई - हिम सिंस वी मेट ए ईयर अगो, आई डिड नॉट सी हिम, आई नॉट सा हिम, आई हैड नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, एक साल हो गया है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, मोर इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट, नो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। तो ये हमने क्वेश्चंस किए।